Hey guys, welcome back to the channel. And in today's video lecture, we are going to talk about types of code during British rule in India, right? Before the establishment of high courts, before the establishment of Supreme Court, तब क्या स्थिति हुआ करती थी कोर्ट्स की, ठीक है? तो किस तरह की कोर्ट्स हुआ करते थे? देखिए, आप सबको पता है कि भारत में अंग्रेज आए, यानी कि ब्रिटिशर्स जो हैं, उन्होंने इंडियन टेरिटरी में अपने कदम रखे. उसके बाद जो क्या हुआ कि धीरे 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 वो आए तो थे व्यापार करने, एक ट्रेड करने के पर्पज से, बट धीरे 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 यहाँ के जो लोकल जो एम्परर थे, जैसे सूरत में सबसे पहले उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, उसके बाद जो है फिर मद्रास पे, मसूलीपट्टनम ही बोलते हैं जिसे, ठीक है? उसके बाद फिर धीरे 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 उन्होंने जो है मुंबई और फिर इधर बंगाल पे जो है अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली. तो धीरे धीरे करके कुछ समय चलते 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 कुछ समय के अंदर ही जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रिटिश रूल स्थापित हो गया. तो अब ये हुआ कैसे? तो इससे पहले भी जो है कुछ एक छोटी सी जो है ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आप सबको पता चले कि मतलब हुआ कैसे था और क्या हुआ था, कौन सा कोर्ट पहले आया था, किस टाइप के कोर्ट हुआ करते थे. जैसे आजकल हम देखते हैं कि सबसे हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे अलग अलग सेशंस कोर्ट्स होते हैं, राइट? सो ऐसे ही करके उस समय भी क्या क्या थे कोर्ट, कौन कौन से कोर्ट थे, कौन कौन सा पहला कोर्ट आया था, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड विदाउट एनी हसल एंड बसल. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सूरत पे कुछ टाइम जो है अंग्रेजों ने अपनी एक छोटा सा एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, ठीक है? वहाँ से फिर फैक्ट्री का जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया था बॉम्बे में. बॉम्बे में शिफ्ट करने के बाद जो है फिर जो है उन्होंने नीचे मद्रास में भी अपना एक छोटा सा कंपनी टाइप की खोली और फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है? तो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, तो वहाँ पे किस टाइप का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था? तो ये चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ. मतलब थ्री प्रेसिडेंसीज हम देखेंगे, बॉम्बे, क्या, मद्रास एंड बंगाल, बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी. तो ये जो तीनों ही प्रेसिडेंसी हैं, 1773 का जो एक्ट आता है, रेगुलेशन आता है, वॉरेन हेस्टिंग जो लेके आते हैं, उस समय गवर्नर होते हैं, फिर द देन गवर्नर ऑफ बंगाल, और वही जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब वो बनते हैं, तो तीनों प्रेसिडेंसीज, जो बाकी की दो प्रेसिडेंसीज होती हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी और दूसरी मुंबई प्रेसिडेंसी, वो जो ये दोनों प्रेसिडेंसीज है ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आ जाती हैं चार्टर ऑफ 1773 के थ्रू, राइट? तो ये है. तो चलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी एकदम कंफ्यूज ना हो और आपको जो है पूरा एकदम बाय रूट पता चले कि क्या कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ठीक है गाइस? तो देखिए, आज की कहानी की शुरुआत होती है चार्टर ऑफ 1600 से, ठीक है? चार्टर ऑफ 1600 हम देखेंगे और बहुत सारे चार्टर्स देखेंगे अपनी इस स्टोरी में, ठीक है? तो चार्टर 1600 के थ्रू जो है क्वीन एलिजाबेथ होती है, उनके बाद जो वहाँ इंग्लैंड के किंग होते हैं जेम्स, जेम्स फर्स्ट, जेम्स टू, ऐसे करके आपने नाम जरूर सुने होंगे. आई होप सो कि आप सबको आप इन सब टर्म्स से काफ़ी वाकिफ होंगे, ठीक है? तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की महारानी थी उस समय, ठीक है? सो उन्होंने उन्होंने क्या किया था, थॉमस थ्रो जहांगीर के सेशन में, जब जहांगीर का काल हुआ करता था ना, मुगल एम्परर जहांगीर, तो थॉमस थ्रो एक एम्बेसी टाइप का उन्होंने भेजा परमिशन लेने के लिए इन द ईयर 1612 में. अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं आया था, इससे पहले ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, इससे पहले भी ब्रिटिशर्स आए थे. 1600 में कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? और 1608 में जो है अपनी पहली ट्रिप ये बंदे लेके आते हैं यहाँ पे, कुछ मर्चेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पे, ठीक है? और देखते हैं जगह वगैरह अच्छी लगती है, सूरत की कोस्ट में पहुँचते हैं, सूरत यानी आज के गुजरात के आसपास ये लोग पहुँचते हैं. तो अपनी जब ये फैक्ट्री जब सूरत में स्टैब्लिश कर लेते हैं आपने देखा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, 1600 में फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिशर्स आते हैं, एंड 1612 में, अभी 1608 में जब आते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, तो उस समय जब ये आते हैं, उस समय इनको जो है एम्परर की परमिशन नहीं मिलती है, किसी कारणवश नहीं मिलती है, खुश नहीं कर पाते एम्परर को. उसके बाद ये थॉमस रो को भेजते हैं, जहांगीर का रूल हुआ करता है 1612 में,
थॉमस रो काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह साथ में लेके आता है जहांगीर को प्रेजेंट करते हैं, जहांगीर को प्रेजेंट करते हैं और क्या कहते हैं उनसे बोलते हैं कि हमें जो है आपकी कंट्री में ट्रेड करना है, हमें ट्रेड करने के लिए फैक्ट्री भी लगानी पड़ेगी क्योंकि हम जब ट्रेड करेंगे तो उस ट्रेड को करने के लिए जो भी हम रॉ मटेरियल्स वगैरह हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्लेन में रखा और सट से पहुंच गया एक दिन में, बट उस टाइम पे तो सीज हुआ करती थी, ओवरसीज में जो है सामान जाया करेगा तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, ऐसे रोटन हो जाएंगी चीज़ें, तो उसको संभालने के लिए एक स्टोर चाहिए होगा। तो एक स्टोर हमें बनाने के लिए हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए जहाँ पे हम अपने एक स्टोर टाइप का बनाएं और उस स्टोर में हम चीज़ें स्टोर करेंगे, तो इस चीज़ को नाम दिया है फैक्ट्री। तो 1612 में ब्रिटिशर्स ग्रांटेड परमिशन फ्रॉम द देन एम्परर ऑफ द इंडियन प्रोविंस जहांगीर, राइट। अब ऐसा भी नहीं था कि इससे पहले ट्राई नहीं किया था, ट्राई किया था जैसे कि मैंने आपको बताया, बट परमिशन नहीं मिल पाई। अब जैसे ही मुगल एम्परर जहांगीर अपना एक फरमान जारी करते हैं थॉमस रो को कि तुम जो है अपने तरीके से रह सकते हो यहाँ पे, तुम अपना ट्रेड कर सकते हो, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग तुम रह सकते हो, ठीक है, अपने कस्टम्स जो भी है तुम फॉलो कर सकते हो, एक मतलब कंप्लीट टाइप का उनको डोमिनेंस दे दिया गया था, एक छूट उनको दे दी गई थी कि तुम जैसे तुम्हें रहना है तुम रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से जो है यूरोप से इंग्लैंड से थॉमस रो के थ्रू किंग्स जो जेम्स होता है जो वहाँ के किंग होता है ऐसे ऐसे कुछ कॉस्टली कॉस्टली गिफ्ट्स भेजता है उनके हाथ थॉमस रो के हाथ, जिससे जहांगीर काफी खुश हो जाता है। हो सकता है कि मदिरा भेजी हो, वाइन लिक्विड, ठीक है, तो जिससे दिल बहल गया हो, मचल गया हो और परमिशन दे दी हो, ठीक है, तो गिफ्ट के थ्रू कुछ भी हो सकता है, आज से नहीं, ये करप्शन जो करप्शन का टाइम है ना, घूस देने का, ये काफी पहले से चलता आ रहा है। तो अब इस जो है फरमान जो उन्होंने जहांगीर ने प्रोवाइड किया, तो इस फरमान के थ्रू हुआ ये कि इंग्लिश मैंस को जो है कंप्लीट एक डोमिनेंस मिल गई, अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है सिर्फ इंग्लिश मैन यानी कि जितने भी अंग्रेज लोग आए हैं वहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए इंडिया में एक छोटी सी जगह पर रह रहे, अगर उनके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपस में सुलझा सकते हैं उसको, तो उसमें जो है इंडिया का रूल नहीं चलेगा। लेकिन अगर वहीं पे किसी नेटिव यानी कि कोई इंडिया में रहने वाले बंदा और जो फैक्ट्री मतलब हो जाता है ना कि इंग्लैंड से कोई लोग आए और वहाँ पे इंडियन लोग भी रह रहे, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज लोग ही रह रहे होंगे, पहले से भी कुछ हिंदूज रह रहे होंगे जो इंडिया के रहने वाले हैं, वो हो सकता है उनके बीच में कुछ झड़प हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और ऐसा हुआ भी, ठीक है, तो हो जाए तो उसको कौन देखेगा, तो उसको जो है वहीं के नेटिव जो मोहम्मदियन रूल्स चलते हैं उस समय जो है इंडिया से पहले जब मोहम्मदन रूल चलता था ब्रिटिशर से पहले, तो उसके तहत उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो समझ रहे ना, मतलब अगर कोई भी इंग्लिश मैन का मैटर होगा तो वो जो है इंग्लिश मैन मतलब इंग्लिश वाले खुद देखेंगे यानी कि ब्रिटिशर्स देखेंगे, और वहीं पे अगर किसी नेटिव पर्सन और किसी इंग्लिश मैन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहां पर जो रूल चलेगा वो मोहम्मदियन रूल चलेगा यानी कि वो इंडियन इंडियन लॉ ऑफ लैंड चलेगा। उस समय इंडियन लॉ ऑफ लैंड क्या था, मोहम्मदियन लॉ, ठीक है, मुस्लिम लॉ, ओके, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य था, बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर, ओके, ये सारे बादशाह ये काफी जो है खतरनाक हुआ करते थे और इनका जो आधिपत्य जमा था तो ये भी काफी खतरनाक हुआ करता था, और इसमें पनिशमेंट भी काफी हार्श हुआ करते थे। धीरे धीरे रिफॉर्म्स आए, पनिशमेंट जो है उस पनिशमेंट में रिफॉर्म आए, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सो 1687 तक ये जो सूरत में इन्होंने फैक्ट्री खोली थी अपनी, 1687 तक यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग हब बना था क्योंकि सूरत जो है काफ़ी अच्छा एक ट्रेडिंग पोर्ट है आज भी अगर आप देखें तो, उस समय इंग्लिश वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, वहाँ से सीधा अपना माल लोड करके इंग्लैंड भेज देते थे। 1687 तक चला, 1687 के बाद जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आपके माइंड में बैठा हो जो कुछ भी मैंने बोला अभी तक, तो इन्होंने अपनी जो कंपनी है इसको शिफ्ट कर दिया, इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ, सूरत से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे क्या है, गुजरात के महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट में जो है आपका पड़ता है बॉम्बे, तो उस समय जो बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था और बॉम्बे प्रोविंस में ही गुजरात और सौराष्ट्र महाराष्ट्र ये सब आया करते थे, काफ़ी बड़ा स्टेट हुआ करता था, तो नीचे जो अभी मुंबई वाला लोकेशन है वहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है बाद में शिफ्ट कर दी है, ठीक है। अभी 1687 के बाद तो आपने देखा 1600 में चार्टर बना, 1608 में फर्स्ट टाइम ब्रिटेन से शिप में सवार होके इंडिया पहुंचे, ओके, 1613 में जो है थॉमस रो को परमिशन मिली
ठीक है, 1615 में वहाँ के जो रूलर हुआ करते थे जेम्स टू ने, उन्होंने जेम्स फर्स्ट या जेम्स टू आई थिंक सो जो भी है, तो उन्होंने एक अपने जो है लीगल लेटर में उनको ये कंपनी वालों को एक अलग से एक फरमान टाइप का इश्यू कर दिया था, 1615 वाली बात है। फिर उसके बाद आपने देखा कौन कौन से चार्टर्स देखे अभी तक, चार्टर ऑफ 1600 देखा, चार्टर ऑफ 1615, 1615 के थ्रू क्या जो किंग जेम्स थे उन्होंने बोला कि जितने भी अगर कोई भी अगर हमारी जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ना, जो जिस तरीके से आपने कंपनी यहाँ पे खोली हुई है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम ट्रेड करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, अगर आपको ये करना है और ये करते करते अगर आप कोई इल्लीगल काम करते हैं ना तो ये गलत होगा, तो इसको नहीं करना है। तो इल्लीगल काम करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था। तो ये जो है ये वाला प्रोविजन चार्टर ऑफ 1615 में किंग्स ऑफ जेम्स, जेम्स जो वहाँ के राजा हुआ करते थे जेम्स, किंग जेम्स, उन्होंने इस चार्टर के थ्रू ऐसा प्रोविजन दिया, ठीक है, इल्लीगल काम नहीं होंगे, ठीक है, कंपनी जो है पूरा प्योर परफेक्टली काम करेगी। क्योंकि 1615 तक ऐसे बहुत सारे मतलब करप्शन टाइप का चल रहा था, वो इलीगल व्यापार भी हो रहे थे, लोग अपने पर्सनल अपनी पॉकेट्स भर रहे थे, यानी कि वो जो प्योर जो प्रॉफिट हो रहा था वो वहाँ एम्परर पे नहीं जा रहा था, कंपनी का जो मेन उद्देश्य था मैक्सिमम ट्रेडिंग, कहाँ जाएगा पैसा, कहाँ जाएगा कंपनी कमाएगी, और पैसा जाएगा एम्परर पे, यानी कि वो जाएगा इंग्लैंड पे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, ठीक है। तो आपने देखा चार्टर ऑफ 1600 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, चार्टर ऑफ 1615 थोड़ा सा चेंज, ठीक है। फिर हमने देखा कि 1687 तक ये ट्रेड जो है सूरत में चलता रहा, उसके बाद जो है ट्रेडिंग पॉइंट जो है शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में, ठीक है। तो अभी तक आपने ये सारी चीज़ें देखी, चार्टर ऑफ 1600, चार्टर ऑफ 1615, ये अभी बहुत सारे चार्टर्स आएंगे बाद में, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। और बने रहिए वीडियो पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी एम्पल ऑफ नॉलेज प्रोवाइड होने वाली है, और ऐसा शायद आपको आज तक इतनी डिटेल में इतनी गहराई में किसी ने ना ही बताया होगा, ना ही कोई बताएगा, तो बने रहिए, ठीक है। आप देखिए फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री में रूल करने के लिए कुछ लोग तो रखेंगे ना, तो उस समय जो उसको कुछ एक काउंसिल हुआ करती थी, आज भी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वैसे उस समय भी कुछ काउंसिल होते थे, 3 4 5 6 बंदे, ठीक है। लेकिन मैं आपको, और एक उसका प्रेसिडेंट हुआ करता था शायद, जहाँ तक मुझे पता है एक प्रेसिडेंट और 25 बंदे ऐसे कुछ है शायद, ठीक है। तो शुरुआत में लेकिन कम थी इसकी संख्या, धीरे धीरे करके बढ़ा दी गई थी, समझ रहे हैं, मतलब कुछ बंदों का एक ग्रुप है जो इस कंपनी को, इस कंपनी के सारे काम देखेगा। वैसे दो बोर्ड्स बने थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये वो एक अलग बात है, वो हम क्या बोलते हैं, ये हम लीगल लीगल हिस्ट्री बात कर रहे हैं, वो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल से जान रहे हैं क्योंकि क्या था क्या नहीं था, ठीक है, उसमें तो हम सीधा सीधा जान लेते हैं, बट वो अभी हमें नहीं जानना, अभी हमें जाननी है लीगल हिस्ट्री। अब देखिए जब सूरत से शिफ्ट किया गया बॉम्बे में ट्रेडिंग पॉइंट, तो ऐसा नहीं है कि सूरत में व्यापार बंद कर दिया गया था, वहाँ पे भी होता था और उसको जो है बॉम्बे के अधीन बना दिया गया, ठीक है, समझ गया। ये अभी तक आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सूरत फैक्ट्री इन इंडिया, और अब देखेंगे इसके कुछ डिफेक्ट्स, ये किस चार्टर के थ्रू हुआ था, ये चार्टर ऑफ 1650, चार्टर ऑफ 1615 के थ्रू ही हुआ था शायद, है ना, क्योंकि 1613 में जो है जहांगीर ने परमिशन ग्रांट कर दी थी, फिर इन्होंने सूरत पे अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली थी, और 1687 तक ये फैक्ट्री चलती रही, ठीक है। तो अब इसके कुछ डिफेक्ट्स देखेंगे, क्या डिफेक्ट्स रहे थे इस चार्टर में, चार्टर ऑफ बेसिकली 1613, तो इसके क्या डिफेक्ट्स रहे थे, इसके डिफेक्ट्स ये रहे थे कि देखिए अगर कोई भी गवर्निंग बॉडी होती है, अगर हम इंडिया की गवर्निंग बॉडी की बात करें, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर 3 ऑर्गन्स आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, राइट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो ये जो तीनों पोर्शन है ये गवर्नमेंट के पार्ट है। तो वैसे उस समय भी जो है दो पोर्शन बेसिकली काम कर रहे थे, और दोनों एक ही हाथ में थे, और जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का काम तो वहाँ इंग्लैंड से हो रहा था ना, इंग्लैंड से लॉ बन के आ रहे थे, ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करना और उसको जुडिशरी फंक्शन देना, दोनों का काम किसके हाथ में था, दोनों का काम जो ये बोर्ड बनाई गई थी, काउंसिल जो थी, उस प्रेसिडेंट जो था उनके हाथ में था, ठीक है। तो यही जो है यार, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करते थे और जुडिशरी फंक्शन भी करते थे, और अगर हिंदी में हम बोले तो न्यायपालिका का कार्य भी यही मेंबर्स करते थे, और कार्यपालिका काम भी यही मेंबर्स करते थे, यही सदस्य करते थे। सो देयर वॉज नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड जुडिशरी अथॉरिटी,
बोथ वर इन सिंगल हैंड्स, ठीक है। और ऐसे होगा तो क्या होती है, अराजकता फैल जाती है, अनार्की फैल जाती है, अपनी मनमानी चलती है। तो ये की पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है। अब देखिए दूसरा डिफेक्ट इसका क्या है कि जो ये मेंबर्स थे काउंसिल के मेंबर्स थे और जो प्रेसिडेंट था, इनके पास कोई मतलब ये एक लेमैन लैंग्वेज थे यार, मतलब खाली एक व्यापार करने आए हैं, ठीक है। काफी पुअर पीपल्स थे ये, इनको रेदर एक नॉलेज भी नहीं थी इंग्लिश लॉ की, कि क्या कैसे सजा देनी है। लेकिन फिर भी जो है इनको इस चार्टर के थ्रू किंग्स जेम्स ने इनको ऐसे अधिकार दे दिए, प्रोविजन दे दिए कि जाओ तुम ऐसा है ऐसे ऐसे करो, और कंपनी को जो कुछ भी करना है उसके लिए आप लोग पूरे मतलब खुद जो है पूरे डोमिनेट हो, डोमिनेशन है आपको, पूरा सोनेटी है आप, जो भी आप अपने रूल्स खुद से डिसाइड कर सकते हो, आप अपने विजडम के थ्रू डिसाइड कर सकते हो, आप अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के थ्रू डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो। तो इनको ऐसा कोई एलिमेंट्री नॉलेज थी नहीं लॉ की। तो दूसरा डिफेक्ट ये हो गया, ठीक है। देयर वॉज नो क्लियर, देयर वॉज नो फुल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लॉ ऑन इन दीज मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स, एंड इवन द प्रेसिडेंट डोंट हैव द एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द सिंगल लॉ ऑफ इंग्लैंड। देखिए दिस वॉज द सेकेंड इफेक्ट। और तीसरा इफेक्ट हम इसका देखेंगे कि इसमें जो भी जस्टिस का एक होता है ना, मतलब एक जस्टिस जो है एक जस्ट तरीके से, न्याय तरीके से, मतलब एक काफ़ी ऐसे तरीके से हो कि ऐसे लगे कि हमें अपराधी को नहीं अपराध को जड़ से मिटाना है, ठीक है। ये वाला सीन जो है इसमें नहीं देखा गया, इसमें जो है ये काफ़ी मतलब ऐसे वो करते थे, लापरवाही टाइप की करते थे, ठीक है। क्योंकि इनको एक एलिमेंट्री नॉलेज ही थी ही नहीं लॉ की। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ जस्टिस वॉज नॉट हाई बिकॉज द प्रेजिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ हिस काउंसिल डोंट हैव एनी मॉरल वैल्यूज एंड एक्टेड इन लूज मैनर रैदर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। एंड एट लास्ट मैंने आपको बताया कि 1687 में फाइनली जो है ये जो सूरत फैक्ट्री होती है इसका हेडक्वार्टर और इसकी प्रेसिडेंसी भी शिफ्ट कर दी जाती है बॉम्बे में। अब बॉम्बे के डोमिनियन में रहता है सूरत। तो ये था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सूरत फैक्ट्री, ठीक है गाइज। अब हमने सूरत देख लिया, अब मद्रास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मद्रास में इन्हें कैसे अपना यहाँ पे फैक्ट्री खोली, कैसे मद्रास में फर्स्ट टाइम आए, ठीक है। मद्रास का जो डेवलपमेंट हुआ ना, जुडिशियल डेवलपमेंट जो हुआ, लीगल डेवलपमेंट जो हुआ, वो तीन फेजेस में हुआ, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। तीनों फेज देखेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको पूरा जो है क्लियर अभी तक समझ में आ रहा है तो शेयर कर दें फटाफट, ठीक है। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की इन मद्रास। इसका जो फर्स्ट फेज है ये 1639 से 1665 तक रहता है शायद, ठीक है, शायद नहीं हो तो रहता ही है, ओके। 1639 टू 1665 फर्स्ट फेज ऑफ मद्रास। इस फेज में जुडिशियल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं, एक नेटिव लोग होते हैं, नेटिव मतलब वहीं के जो लोकल रहने वाले हैं, ठीक है, और फॉरनर्स जो ब्रिटिशर्स हैं, तो उनके लिए अलग प्रोविजंस होते हैं और उनके लिए अलग प्रोविजंस होते हैं। तो इस वाले जो फर्स्ट फेज में है दोनों के लिए अलग अलग कोर्ट्स एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। अलग अलग कोर्ट चॉल्ट्री कोर्ट बोलते हैं जो लोकल नेटिव्स के लिए एस्टेब्लिश होती है, ओके। एंड वही जैसे कि उसमें प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ काउंसिल्स थे, इसमें जो क्या होता है एजेंट, यहाँ पे नाम बदल जाता है एजेंट एंड मेंबर ऑफ काउंसिल्स, ठीक है। तो ये जो है इंग्लिश मैन के जितने भी कोई भी अगर इंग्लिश मैन यानी कि कोई भी ब्रिटिशर्स ने अगर कोई क्राइम वगैरह किया है तो उसके जस्टिस के लिए ये सारे जो है देखेंगे, ठीक है। तो मद्रास जिसे हम मसूलीपट्टनम नाम से भी जानते हैं, तो फ्रैंकिस थे, एक यूरोपियन होते हैं, एक ब्रिटिशर होते हैं, ये जो है यहाँ पे मद्रास वाले, अभी आप मद्रास मॉडर्न डे चेन्नई, यहाँ के जो उस समय के लोकल राजा हुआ करते थे उनसे एक पीस ऑफ लैंड ये है लेते हैं, ग्रैंट में लेते हैं, और यहाँ पे एक उनसे परमिशन लेते हैं और एक अपनी यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं फैक्ट्री, ठीक है। तो फ्रैंकिस डे जब ये जमीन लेते हैं तो इस जमीन पे एक फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है, और इस फैक्ट्री को बोला जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट विलियम वो भी है, वो कहाँ, बंगाल में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज को बोला जाने लगा व्हाइट टाउन, क्योंकि आप सबको पता होगा, अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि
कि व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। मद्रास का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फ्रैंकिस्टे ने एस्टेब्लिश किया था, 1639 में एस्टेब्लिश किया था। तो एस्टेब्लिश करते फैक्ट्री बनाई थी, फैक्ट्री जो थी, फैक्ट्री के अंदर जो मेन कैंपस था वहाँ पे इंग्लिश मैन लोग रहते थे और वहाँ पे इनके हेल्पर्स रहते थे, उसको बोला जाता था व्हाइट टाउन। और उसके बाहर साइड का एरिया जो था वो था ब्लैक टाउन, जहाँ पे नेटिव इंडियंस रहा करते थे। एंड यही ब्लैक टाउन एंड व्हाइट टाउन टुगेदर केम टू बी नोन एज मद्रास जॉइंटली। ओके, एंड इन दोनों ही प्लेसेस पे, व्हाइट टाउन एज वेल एज ब्लैक टाउन पे, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी अलग तरीके से होगा। व्हाइट टाउन में क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स रूल चलेगा, ब्रिटिश लॉ चलेगा। और ब्लैक टाउन में क्योंकि नेटिव इंडियंस रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो जस्टिस एडमिनिस्टर किया जाएगा वो वहीं के लोकल लॉ ऑफ लैंड से किया जाएगा। यानी कि वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम सब्जेक्ट है तो उसके लिए मुस्लिम लॉ का यूज़ किया जाएगा, और वहीं पे अगर कोई हिंदू सब्जेक्ट है तो उसके लिए उसके हिंदू रीति रिवाज, हिंदू कानून, हिंदू नियमों की तरह उसका जो है केस वहाँ पे निपटाया जाएगा। ठीक है, डिसीजन वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। तो ये था व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में डिफरेंस, और वहाँ पे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, सो जो व्हाइट टाउन में कोर्ट टाइप की हुआ करती थी उसे बोलते थे एजेंट एंड काउंसिल। ठीक है, और ब्लैक टाउन में जो कोर्ट यहाँ पे आई, नई कोर्ट मतलब जो थी वो चॉल्ट्री कोर्ट। ठीक है, चॉल्ट्री कोर्ट यहाँ पे बनी, और यहाँ पे अधिकार यानी कि अधिकार जो उस कोर्ट का हेड हुआ करता था, जनरली वो हेड जो हुआ करता था वो एक ग्रामीण गांव का एक मुख्य पर्सन हुआ करता था, द हेड ऑफ विलेज। ठीक है, जिसे आजकल हम ग्राम प्रधान बोलते हैं, तो वो जो है अपॉइंट हुआ करता था अधिकार के तहत। ठीक है, और वो जो है जुडिशियल फंक्शन अपनी प्रोवाइड करता था गांव पे। ठीक है, नेटिव प्रोविंस पे। ठीक है, यानी कि ब्लैक टाउन पे, समझ रहे हैं। तो अगर हम कोर्ट ऑफ अपील की बात करें, अगर जैसे आजकल हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाता है, तो उस टाइम पे भी जो अपील्स हुआ करती थी, जो एजेंट एंड काउंसिल की जो रिपोर्ट हो, जो केसेस जो रेफर हुआ करते थे, वो सीधा क्राउन पे जाया करते थे इंग्लैंड पे, क्योंकि इतना जो है इतनी नॉलेज थी नहीं ना यहाँ पे इंग्लिश लॉ की इन लोगों को। ठीक है, और ना ही कोई ऐसा एक पर्टिकुलर बंदा जो है जो कि एक काफ़ी एमिनेंट नॉलेज रखता हो लॉ की, वो उसको अपॉइंट नहीं किया गया था अभी तक इंग्लिश पीपल के जुडिकेशन के लिए। और वहीं पे जो अधिकार जो कि एक विलेज का हेड हुआ करता था, ठीक है, सो वो भी जो है अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग जुडिशियल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा था। सो इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए 1661 ईयर में जेम्स टू जो किंग हुआ करते थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक चार्टर फिर से प्रोवाइड किया, चार्टर ऑफ 1661, टू रिफॉर्म दिस दिस होल जुडिशरी, वट एवर वर्किंग्स वर बींग डन देयर। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए चार्टर ऑफ 1661 लेके आया। तो हमने देखा अभी तक तीसरा चार्टर, चार्टर ऑफ 1600, चार्टर ऑफ 1613, चार्टर ऑफ 1615, चार्टर ऑफ 1661। ठीक है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ जस्टिस विच वॉज एडमिनिस्टर्ड इन दिस लैंड मद्रास, राइट, एंड एज वेल एज देर ऑल्सो सूरत, क्योंकि सूरत और बॉम्बे में भी अभी तक इनकी जो फैक्ट्रियाँ थी, छोटी छोटी ट्रेड्स पॉइंट इनके वहाँ पर थे। सही है, तो आपने अभी तक देखा फर्स्ट फेज ऑफ मद्रास। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मद्रास का फर्स्ट फेज हमने देखा, जो 1639 में जब ये मद्रास फाउंड होता है और 1665 तक चलता है। सेकेंड फेज हम देखेंगे 1666 से 1686 तक, यानी करीबन 20 साल तक ये जो फेज है टाइम पीरियड, इसमें देखते हैं क्या हुआ था। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो भी सिस्टम चला आ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, वो 1666, 1667, 1668 तक अभी तक नॉर्मल चला आ रहा था। ठीक है, और वहीं पे गवर्नर अब मद्रास के कौन बन जाते हैं 1668 में, स्ट्रेनहम मास्टर। ठीक है, स्ट्रेनहम मास्टर जो है मद्रास के गवर्नर अपॉइंट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस जो है अब पूरी अपनी जान डाल देते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए।
कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल थी 1661 में, जो प्रोविजन दिए थे जेम्स टू ने, ठीक है, उसके तहत क्या था कि जो एजेंट एंड काउंसिल था, वो पूरा जो सिनेरियो, जो पूरा टर्म था एजेंट एंड काउंसिल, इसको रिप्लेस कर दिया गया था किससे, गवर्नर एंड काउंसिल से, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताना भूल गया था, तो यहाँ पे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब जो है यहाँ पे आता है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर 1678 में हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का फॉर्मेशन होता है। और मतलब वही जो गवर्नर एंड काउंसिल होते हैं, जो पहले एजेंट एंड काउंसिल कहा जाता था, ठीक है, फिर गवर्नर एंड काउंसिल में जो तब्दील हो जाते हैं, ठीक है, उनको ये बोला जाता है, उनके लिए कुछ ऐसे निर्णय, उनके लिए कुछ ऐसे नियम यहाँ पे लागू कर दिए जाते हैं कि जो है वो हफ्ते में 2 बार बैठेंगे और जो अपने निर्णय बढ़िया तरीके से लेंगे, जो भी डिसीजन मेकिंग की पावर होगी उनके पास वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। तो ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बेसिकली तो इंग्लिश पर्सन्स के लिए था, ठीक है। अब क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को मतलब हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ने रिप्लेस किया था गवर्नर एंड काउंसिल को, गवर्नर एंड काउंसिल ने रिप्लेस किया था एजेंट एंड काउंसिल को, ये सीरीज समझिएगा, ठीक है, आगे तक चलेगी। और वहीं पे जो हिंदू नेटिव्स रहते थे उनके लिए चौल्ट्री कोर्ट्स हुआ करती थी, चौल्ट्री कोर्ट्स हुआ करती थी, उसका हेड हुआ करता था अधिकार, ठीक है, अधिकार वॉज द हेड ऑफ विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो अधिकार था उसका नाम था, अभी 1678 के आसपास जो अधिकार था यहाँ पर मद्रास का, उसने कुछ ऐसा कहा है, मतलब अच्छे से अपनी जो है ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको ऑफिस से हटा दिया गया। उससे बोला चलो तुम अपनी फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम काफ़ी दुर्बल हो गए हो, काफ़ी मतलब इतने वो इफेक्टिव नहीं हो पहले जैसे, तो तुम्हें जो है हम अपने जो जो भी हमने तुम्हें पावर्स दिए, हम तुमसे वो पावर्स वापस जो है ले लेते हैं। अब इस समय जो अधिकार थे यहाँ पे, अधिकार कनप्पा, इनको रिमूव करके 2 इंग्लिशमैन, यानी कि 2 या 3 जो है इंग्लिशमैन यहाँ पे यूज़ किए जाने लगे, वो यहाँ पे जो है संभालने लगे, नेटिव इंडियंस के मैटर्स को खुद देखने लगे, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ सम मॉलीज, काजीज, राइट। कितने तक इनकी लिमिट हुआ करती थी, 50 पगोड़ा, यानी कि 1 पगोड़ा मतलब 3 रुपये, यानी कि 150 रुपीज़ के कोई भी 150 रुपीज़ तक के कोई भी केसेस हुआ करते थे। तो वो जो ये अधिकार को जो शिफ्ट करके जो 3 इंग्लिशमैन को बिठाया गया था यहाँ पे नेटिव पीपल के केसेस को देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए, तो 50 रुपीज़, 50 पगोड़ा से ज़्यादा के केसेस वो नहीं देखते थे। अगर उससे ज़्यादा के केसेस होंगे तो मैटर किसको रेफर किया जाता था, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर नेटिव पीपल है तो वहाँ का जो राजा हुआ करता, वहाँ का जो नवाब हुआ करता था, या वहाँ का जो गवर्नर मतलब प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करता था, वहीं का लोकल नेटिव गवर्नर हुआ करता था, तो उसको जो है मामला रेफर किया जाता था, और फिर वो बोलता था कि तुम अपने हिसाब से देख लो, और जो है फिर उसको डेथ सेंटेंस दी जाती थी, फांसी में लटका दिया जाता था, तो ये सब हुआ करता था। अब जो यहाँ पे एक हमें कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल गया, हायरार्की ऑफ कोर्ट वाला, हायरार्की ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर हायर कोर्ट, और जो है चौल्ट्री कोर्ट, या फिर जो हाँ जो चौल्ट्री कोर्ट है वो लोअर कोर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है हायरार्की ऑफ कोर्ट जो है स्टार्ट हो गई। तो ये आपने देखा अभी तक थर्ड फेज, और सॉरी सेकंड फेज, फर्स्ट फेज देखा, सेकंड फेज देखा, तो अब जल्दी से थर्ड फेज की बात कर लेते हैं। 1796 से लेके 1726 तक ये फेज चला था, करीबन 40 साल, 1686 से 1726 तक ये जो फेज चला था, करीबन 40 साल का ये फेज टाइम पीरियड था। सो इस फेज में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, एडमिरल्टी कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट इन मद्रास। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने कितने फेज देखे, अभी तक हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज का टाइम पीरियड था 1639, जब मद्रास फॉर्म हुआ था, ठीक है, ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन, 1639 से लेके 1666 तक, ठीक है, ये फर्स्ट फेज चला था। सेकंड फेज चला था करीबन 20 साल के लिए, 1666 से लेके 1686 तक, और थर्ड फेज चला था 1686 से लेके 1726 तक, करीबन 40 साल का ये फेज चला था। तो ये टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस फेज में जो ये इस एडमिरल्टी कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये बेसिकली क्या करता था कि जो भी सीज में, यानी कि समुद्र में
कोई भी अगर मुठभेड़, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उस चीज को जो है रिजॉल्व करने के लिए, वहां पे अपना जस्टिस देने के लिए इस एडमिरल्टी कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो बेसिकली मोटा मोटा यही हुआ था इस थर्ड फेज में, ठीक है। और ज्यादातर इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि हाई सीज में, मतलब जैसे कि उस समय यूरोपियन बहुत सारी पावर्स यहाँ पे आई थी, पोर्तुगीज, स्पेन, फ्रांस वगैरह, ठीक है, ये सब आई थी। पोर्तुगीज तो 1500 यानी 1600 के इनिशियली, 16 सेंचुरीज के स्टार्टिंग में ही आ गई थी। और ये क्या करते थे, लूटपाट किया करते थे, एक दूसरे से चिढ़ते थे, एक दूसरे की शिप में कब्जा जमाते थे। तो ये सारी जितनी भी यूरोपियन पावर्स आती थी, ये सीधा कंपनी के कंट्रोल के अंदर आती थी। तो कंपनी अपने जुडिक्शन जो है इनके अंदर भी अप्लाई करता था। इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे पोर्तुगीज वगैरह भी शामिल हो जाएंगे। ये एडमिरल्टी कोर्ट 1704 तक फंक्शन करती है। 1687 में एक और कोर्ट इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेयर्स कोर्ट। और ये मेयर्स कोर्ट की जितनी भी सारी अपील्स होती है, ये सारी कहाँ जाती है, गवर्नर एंड काउंसिल में। एडमिरल्टी कोर्ट के बंद होने के बाद इसका जो भी जुडिक्शन वगैरह था वो कौन देखता है, गवर्नर एंड काउंसिल, ठीक है। तो एक तरीके से अभी यहाँ पे हायर कोर्ट कौन सा है, गवर्नर एंड काउंसिल, ओके। और इसकी इसके नीचे कौन सा कोर्ट आ गया, मेयर्स कोर्ट। कब स्टेब्लिश हुआ था, 1687 में, ओके। अब हुआ ये, मेयर कोर्ट में एक ऑफिसर की नियुक्ति की गई जिसे बोलते थे रिकॉर्डर। तो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला, क्योंकि इस रिकॉर्डर जो था, इसके पास एक डिग्री हुआ करती थी। ही वॉज अ वेल, और ही यू कैन सी वॉज अ इमिनेंट पर्सन टू हैव अ नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है, बेसिकली ऑफ इंग्लिश लॉ, ओके। तो इसको अपॉइंट किया जाने लगा मेयर्स कोर्ट में। तो अब देखने लग रहे ना कि धीरे धीरे जो है कोर्टों की जो स्थिति है वो काफी अच्छी इंप्रूव हो रही है। तो आपने देखा अभी तक 1704 के एंड तक जो है अभी तक तीन कोर्ट यहाँ पे स्टेब्लिश हो गई हैं, चॉल्ट्री कोर्ट, मेयर्स कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल, ओके। तो ये तीन जो मेन कोर्ट्स थी यहाँ पे अपना अभी तक फंक्शन कर रही थी 1704 के अंत तक। तो ये सब आपने देखा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। अगर आपको वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा इस प्लीज, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है। सो इट विल मेक फर्दर इट विल फर्दर मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको काफी सारी नॉलेज जानने के लिए मिली होगी, काफी सारी बातें आपको पता चली होंगी, आई होप सो। एंड आई होप ये कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा गाइस। एंड लास्ट में मैं ये कहूँगा कि प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फंडा क्लियर है सर।